तो भाई इस वीडियो को आपने करना है शुरू से लेकर एंड तक वॉच ताकि भाई आपको हर एक चीज़ का पता चले भाई कुछ लोग जो कह रहे गोड जिला के आउटफिट्स आएंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और भाई एक जो हमारे पास 3.1 पॉइंट वन अपडेट के निर्मित फोच आ रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते स्टार्ट अगर आप इस चैनल पे नए हो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेलाइकॉन को ऑल पे कर लो ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं यहाँ पे मिथिक फौज के ऊपर और भाई यहाँ पे आप लोग जब मिथिक फौज के ऊपर आओगे ना तो यहाँ पे भाई आप लोग एक चीज नोटिस करोगे इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है भाई अगर आप लोग सिर्फ आउटफिट देखते हो वो होता है टेन क्रिस्टल का अगर आप लोग इसका हेड गेयर देखते हो या मास्क देखते हो वो होता है पाँच क्रिस्टल का ऐसे भाई ये सब मतलब जितने भी इसके अंदर जो है ना हेड गेयर एंड आउटफिट्स पड़े हुए हैं वो सारे दस और पाँच क्रिस्टल के हैं मतलब के आउटफिट दस क्रिस्टल का है और भाई इसका जो हेड गेयर है वो पाँच क्रिस्टल का है दूसरी इसके अंदर एक और भी कॉमन चीज ये है कि भाई मिथिक फोज के अंदर ऑलमोस्ट मतलब के ऑलमोस्ट 99.9 परसेंट इसके अंदर मिथिक चीजें आती है आउटफिट्स के अंदर यहाँ पे भाई आप लोग चेकआउट कर सकते हो मतलब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ये तीन चीज़ें जो है ना यही सिर्फ लेजेंडरी आई है बाकी गन्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे गन्स का ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि कौन से गन्स आने वाले हैं वो वीडियो जाके आप लोग देख लेना आउटफिट्स अगर आप लोग देखो रिवॉर्ड्स अगर आप लोग देखो तो ऑलमोस्ट भाई नाइन्टी इसके अंदर जो है ना मिथिक्स हमारे पास आते हैं और भाई कुछ कुछ इमोट्स वाले आते हैं कुछ कुछ इमोट्स वाले नहीं आते अभी हम बात करेंगे भाई हमारे नेक्स्ट मिथिक फौज के बारे में तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात कर लेते हैं जो लोग कहते हैं के कि भाई नेक्स्ट मिथिक फौज के अंदर हमारे पास गोडजिला वाला सीन आने गौडजिला गौट जिला के, के आउटफिट्स आने वाले हैं तो भाई काफी लोगों ने टिकटॉक पे मुझे मेंशन भी किया था एक दो बंदों ने इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भी सेंड किया था कि चार्ज भाई हमारे पास नेक्स्ट मिथिक फौज के अंदर ये गोडजिला वाला आउटफिट आने वाला है तो देखो भाई एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दू फर्स्ट ऑफ ऑल मिथिक फौज के अंदर अभी तक अभी तक मिथिक फौज के अंदर एक भी कोलेब्रेशन वाला आउटफिट नहीं आया जैसे इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया दूसरी चीज मिथिक फौज के अंदर भाई आउटफिट और हेड गेयर वाली चीजें ज्यादातर आती है इसके अंदर अगर आप लोग देखो तो भाई ये ओवरऑल जो है ना ये ओवरऑल एक आउटफिट है वैसे आउटफिट भी आए हुए हैं लेकिन ज्यादातर भाई हेडगेयर और आउटफिट वाली चीजें आती है अब भाई इसके चांसेस कितने हैं आने के देखो भाई गोडजिला एंड कोंग की एक मूवी आ रही है उनतीस मार्च को अगर आप लोगों ने वो ट्रेलर देखा होगा तो आपको पता होगा अगर आप लोगों ने वो ट्रेलर नहीं देखा देन भाई जाके आप लोग मैं कहूंगा कि एक बार वो ट्रेलर जरूर से चेकआउट कर लेना उस ट्रेलर को देखकर भाई आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास नेक्स्ट मिथिक फौज के अंदर अगर कुछ आएगा भी तो वो कैसे आएगा देखो ये पहली बार पुरानी चीजें तो रिपीट होती होती है पब के अंदर लेकिन वो जो ट्रेलर है उसके अंदर न्यू चीजें आ रही है जैसे कि अगर ये आउटफिट है तो इस आउटफिट के ऊपर ब्लू लाइट से ब्लू सा ग्लो है इसके अंदर शर्ट पीस का ब्लू है लेकिन अभी जो हमारे पास भाई गोडजिला आने वाला है नेक्स्ट मूवी के अंदर नेक्स्ट ट्रेलर के अंदर जो है वो भाई इसकी पावर जो है ना वो पिंक सी हो गई है तो भाई अगर आएगा भी तो मे भी ऐसे टाइप का को कोई आउटफिट आ जाए इसके अंदर पिंक पावर हो और यहां पे बात हम ये कर लेते हैं कि ये आउटफिट्स आएंगे कि नहीं तो भाई बिल्कुल नहीं आएंगे अगर आएंगे भी तो भाई ये 3.2 अपडेट के अंदर आएंगे 3.2 का जो मिथिक फोज होगा उसके अंदर ये आ सकते हैं अभी हम भाई ये बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास अगर मिथिक फौज के अंदर आएगा इस बार थ्री पॉइंट वन में वो क्या आ सकते हैं देखो भाई एक्सपेक्टेड है कंफर्म नहीं है यहाँ पे जोकर वाला आउटपुट आप लोग देख सकते हो तो भाई ये मिथिक फौज के अंदर चांसेस कम है लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ देखो भाई एक तो ये कोलेब्रेशन नहीं है इसके अंदर कोई कोलेब्रेशन नहीं है दूसरी चीज इसका मास्क अगर आप लोग देखो तो वो अलग है आउटफिट अगर आप लोग देखो तो आउटफिट अलग है मतलब कि भाई इसका मास्क फाइव क्रिस्टल में आ सकता है और आउटफिट टेन क्रिस्टल में आ सकता है और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ देखो भाई कुछ लीक्स भी है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो चलो मैं आपको वो लीक्स पहले दिखाता हूँ फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे भाई आप लोग चेकआउट कर सकते हो हमारे पास मिथिक फोज के अंदर इसके रिलेटेड कुछ चीजें आ सकती है भाई इस क्रेट का नाम ऊपर आप लोग देख सकते हो एडवांस सप्लाई सलेक्शन पेक इसका भाई ये नाम है लीक्स के अंदर और इसके अंदर क्या कुछ आ रहा है इसके अंदर सारी पुरानी चीजें आ रही है अब कंफर्म नहीं है कि इसका कौन सा क्रिएट होगा कौन सा स्पिन होगा बट ये कंफर्म जरूर है कि भाई ये चीजें आने वाली है और इसका रिलीज डेट भी भाई मैं आपको बता देता हूं अपकमिंग टू वीक्स के अंदर या टू वीक्स के बाद ये स्पिन हमें देखने को मिल जाएंगे ये आउटफिट हमें देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर भाई फर्स्ट एनिवर्सरी के भी आउटफिट है द फूल सेट भी है यहां पे भाई आप जो जस्टर सेट है वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो इसका मास्क भी देख सकते हो तो भाई इन चीजों में से मे भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ चीजें हमारे पास मिथिक फौज के अंदर भी आ जाए यहां पे मैं आपको भाई ऊपर वाले आउटफिट्स दिखा देता हूं ऊपर वाले आउटफिट्स तो आप लोगों ने देख ले यहाँ पे भाई एक फीमेल कैरेक्टर का भी आउटफिट है ये भी काफी जबरदस्त आउटफिट है और इसके भी चांसेस है कि मितिक फौज के अंदर ये हमारे पास आ सकता है यहां पे नीचे भाई इसके अंदर कुछ और भी आउटफिट्स है जिसके भाई चांसेस थोड़े से मुझे ज्यादा लगते हैं मितिक फौज के अंदर तो भाई मैं आपको वो आउटफिट भी दिखा देता हूँ यहाँ पे भाई आप लोग इसका हेडगेयर एंड आउटफिट चेकआउट कर सकते हो विक्टर दादा ने पहना है तो मजा नहीं कर रहा है लेकिन अगर लड़की पहनेगी ना तो इसका काफी मजा आएगा तो इसके साथ भी हेडगेयर एंड आउटफिट है अलग अलग है तो ये भी मिथिक फौज के अंदर आ सकता है रेड वाला बाकी ये व्हाइट वाला भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो

इसके अलावा भाई हमारे पास एनिवर्सरी आने वाली है तो मे भी भाई हमारे पास ये जो आउटफिट है तो भाई इसके भी आने के चांसेस है ये भी हमारे पास मिथिक फौज के अंदर देखने को मिल सकता है क्योंकि ये भी क्लेब्रेशन वाले आउटफिट्स नहीं हैं खैर भाई ये तो बात हो गई एक्सपेक्टेशन की कुछ दिनों के अंदर हमें कंफर्म हो जाएगा कि भाई क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं लेकिन भाई अगर आपने डेट जाननी है मिथिक फौज की कि मिथिक फौज भाई किस डेट को आएगा तो भाई मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पर भाई आप लोगों ने सीजन पर आ जाना है देन आप लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्लिक कर लेना या लेफ्ट साइड पे आप लोग चेक कर सकते हो सेवनटीन डेज बाद जो है ना ये सीजन खत्म हो जाएगा मतलब के सत्रह दिन बाद हमारे पास नेक्स्ट मित्रिक फौज आने वाला है तो भाई उसके अंदर हमें सब कुछ क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई भाई इसके 99.9 नाइनटी परसेंट चांसेज है क्योंकि भाई हमारे पास ढेर सारी चीजें लीक्स के अंदर देखने को मिली है नेक्स्ट हमारे पास भाई सिक्स एनिवर्सरी भी आने वाला है तो उसके रिलेटेड भी कुछ चीजें हमें देखने को मिल सकती है तो फिलहाल तो आज की वीडियो के लिए यही था उम्मीद करूंगा भाई आपको वीडियो पसंद आएगी आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक तमजप जरूर से देना चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना मिलेंगे आप लोगों से आने वाली एक और न्यू वीडियो में तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत दबाव में याद रखिए अल्लाह हाफिज